आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छी होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत अच्छा सा फेस पैक लेकर आई हूँ। मैं अपने फेस पर फेस पैक अप्लाई करने फेस पैक में निकल कर आ जाए, ठीक है। और मैंने ये तो बताया नहीं, ये फ्लावर्स का है कि ये सदाबहार के फ्लावर्स, ठीक है। बहुत आसानी से सबके घर में हो जाता है, अगर आपके घर में ये पौधा नहीं है तो लगा लो, बहुत आराम से हो जाएगा। और ये फ्लावर्स हर मौसम में होते हैं, ऐसा कोई मौसम नहीं होता जो इस पेड़ पर फ्लावर्स नहीं आते हैं। हमारा फेस पैक बन के रेडी हो चुका है और मैं इसको अपनी फिंगर की हेल्प से पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। इस तरह से मैं किसी ब्रश से नहीं करूँगी, अपने हाथों की मदद से बहुत अच्छे से अपने पूरे फेस पर लगा लूँगी। और ये बहुत अच्छा कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत प्यारी है गाइस, बहुत अच्छी है। सो फ्रेंड्स, इसको हमें अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है और जब ये ड्राई हो जाएगा तब हमें इसको अच्छे से मसाज करनी है अपने फेस पर। रोज़ वाटर को लगाकर अच्छे से मसाज करनी है। ध्यान रखें, सूखा हुआ कोई भी फेस पैक, फेस मास्क अगर बिल्कुल सूखा है, वो ड्राई है, तो कभी अपनी स्किन पर उस पर हाथ रब ना करें। जिससे कि अगर आप अपनी स्किन पर ऐसे ही रब करते हो उसको, उसको अच्छे से गीला नहीं करते हो, तो आपकी स्किन ढीली हो जाएगी, आपके स्किन पर रिंकल्स आ जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। इसको 15 मिनट ऐसे ही लगा के रखना है और उसके बाद थोड़ा सा रोज़ वाटर अपने फेस पर डालना है, उसके बाद अच्छे से इसको रब करके वॉश कर लेना है। सो फ्रेंड्स, मैंने अपना फेस मास्क अपने फेस पर अप्लाई कर लिया। आप देख सकते हो ये थोड़ी थोड़ी पत्तियां नज़र आ रही हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने सारा फेस मास्क इसमें लगा लिया। अब इसको मैं 15 मिनट अपने फेस पर रखूंगी, उसके बाद अच्छे से मसाज करूंगी और वॉश आउट कर लूंगी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये फेस पैक, ये फेस मास्क बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूजफुल हो, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और हाँ, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। We'll be right back.